शिवोदय नन्ना ने आवास हिंदी नारायण लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दसवीं कक्षा का प्रश्न पत्र और उसका विवरण देना चाहता हूं। देखिए, कक्षा दसवीं कक्षा विषय हिंदी असाइनमेंट 8 प्रश्न पत्र 8 पाठ का नाम दक्षिणी गंगा गोदावरी। पाठ का नाम क्या है? दक्षिणी गंगा गोदावरी। अब देखिए, पहला रोमन में चलते हैं। यहां पर पहला रोमन में व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। हर एक के लिए 1 अंक है, कुल 5 अंक हैं। पहला प्रश्न है, हर जगह पर नवीनता का आ गई है। और एक बार देखिए, हर जगह पर नवीनता आ गई। रेखांकित शब्द का प्रत्यय क्या है? रेखांकित कहां पर है? देखिए, नवीनता इस शब्द पर रेखांकित है। नवीनता में प्रत्यय क्या है? आपको प्रत्यय का परिभाषा बता रहा हूं। देखिए, एक शब्दांश रहता है, उसके पीछे एक शब्द या एक अक्षर जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। यहां पर नवीनता, नवीन इस शब्द को ता जुड़ा है, इसलिए नवीनता, नवीन ता जुड़ने पर नवीनता बन गया है। नवीनता में प्रत्यय क्या है? ता। इसका उत्तर है ता, नवीनता ता प्रत्यय है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर देखिए, अत्यंत इसे संधि विग्रह कर रहा हूं, अति प्लस प्लस को हिंदी में जमा कहते हैं, अति जमा अंत अत्यंत। तीसरा प्रश्न देखिए, 1991 को हिंदी अक्षरों में लिखिए। यहां क्या है? 1991 को हिंदी में क्या कहते हैं? उन्नीस सौ इक्यानवे कहते हैं। चौथा प्रश्न, रेलगाड़ी जल्दी जल्दी चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है? देखिए, क्रिया विशेषण वाक्य में यहां पर क्रिया के आगे होता है अधिकतर। क्रिया क्या है इसमें? चलती है। यहां पर चलती के आगे क्या है? जल्दी जल्दी है। सोचने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, रेलगाड़ी जल्दी जल्दी चलती है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। पांचवा प्रश्न देखिए, बच्चा खेल रहा है, लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। लिंग बदलकर वाक्य, बच्चा पुंलिंग है, खेल रहा है क्रिया में। यहां पर छोटा सा विषय जानने से आप आसान से लिंग को बदल सकते हैं। बच्चा क्या है? पुंलिंग एक वचन है। यहां पर क्रिया देखिए, रहा है, रहा बच्चा, आकारांत शब्द, क्रिया में आकारांत शब्द देखिए, इसलिए पुंलिंग एक वचन। यहां पर देखिए, पुंलिंग एक वचन, पुंलिंग में बच्चा खेल रहा है, इसमें हम लिंग बदलने से बच्चा पुंलिंग, इसका स्त्रीलिंग शब्द बच्ची, खेल ये कॉमन है, रहा स्त्रीलिंग में क्या आता है? रही।
रही हैं। आसान है, बच्चा खेल रहा है, बच्ची खेल रही है, बच्चा पुंलिंग शब्द है, बच्ची स्त्रीलिंग शब्द है, खेल दो में भी एक ही है, रहा है रही है, बस। अब देखिए दूसरा रोमन में चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर विकल्प दिए गए हैं, हम आसानी से उन विकल्पों में ढूंढकर उसका उत्तर कोष्ठक में रखना है। अब देखिए मैं इसका गद्यांश पढ़ रहा हूं। शिवाजी एक तो महान हिंदू राजा है। शिवाजी कौन है? राजा है। देखिए महान हिंदू राजा है, यहां पर कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। इस प्रकार पढ़ना है, देखिए वे एक सुयोग शासक है। सुयोग का अर्थ है अच्छा राजा है, शासक का अर्थ क्या है? राजा ही है। देखिए वे एक सुयोग राजा है, उन्होंने राज्य को कई सूबों में बांटा। राज्य देखभाल करने के लिए आजकल मंडल में बांटे हैं, उसी प्रकार पुराने जमाने में शिवाजी ने अपने राज्य को सूबों में बांटा। इसलिए क्यों बांटा? जो पालन करने के लिए आसान हो सके। अच्छा देखिए वे चौथे के नाम से कर वसूल करते थे। कर का अर्थ है टैक्स। देखिए कर का अर्थ क्या है? टैक्स है। किसके नाम से वसूल करते थे? देखिए चौथे के नाम से टैक्स, चौथे के नाम से वसूल करते थे। उनके सैनिक बल देखकर औरंगजेब शिवाजी से डरते थे। यहां पर देखिए सैनिक बल, शिवाजी से औरंगजेब क्यों डरते थे? शिवाजी का सैनिक बल बहुत था। क्या था वो सैनिक बल? उसे देखकर औरंगजेब डरते थे। जब शिवाजी जैसे वीर इस देश में थे, शिवाजी जैसे महान वीर भारत देश में थे, तब तक जब तक वे थे तब तक कोई भारत की ओर, हमारे भारत की ओर आंख भी तक नहीं उठाते थे कोई विदेशी राजाएं। बस यही है, मैं प्रश्न पढ़ता हूं, आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, शिवाजी कैसे शासक थे? कैसे शासक थे? यहां पर देखिए वहीं पर है इसके उत्तर। यह ऑप्शन देखिए, अयोग्य शासक, सुयोग्य शासक, साधारण शासक, शासक। यहां पर देखिए सुयोग, यहां ऑप्शन का है बी, इसका उत्तर है बी। अब देखिए दूसरा प्रश्न में आइए, शिवाजी किस नाम से कर वसूल करते थे? हमने वो गद्यांश में बताया कर किसके नाम से वसूल करते थे? चौथे के नाम से। ऑप्शन में देखिए ये जजिया, बी राउत, सी भूमि, डी क्या है ये? चौथे। इसका सही उत्तर है चौथे, डी ऑप्शन। अब देखिए तीसरा प्रश्न, औरंगजेब शिवाजी से किस कारण डरते थे? हमने बताया था शिवाजी के पास क्या था? बहुत सैनिक बल था, इसलिए वो डरते थे। अब देखिए यहां पर ये सैनिक बल से, बी भुज बल से, सी धीरज से, डी वीरता से। शिवाजी के पास सैनिक बल बहुत है इसलिए औरंगजेब डरते थे, गद्यांश में है ना। इसका उत्तर है सैनिक बल, ऑप्शन है ये। चौथा प्रश्न देखिए, शिवाजी ने अपने राज्य को किन में बांटा? शिवाजी ने अपने राज्य को हमने बताया है सूबों में बांटा, ऐसा बताया था ना। अब देखिए यहां पर ऑप्शन, मंडलों में बांटा, जिलों में बांटा, सूबों में बांटा, तालुकों में बांटा। यहां पर है इसका सही उत्तर सूबों, इसका ऑप्शन है सी। अब देखिए पांचवा प्रश्न, शिवाजी किस धर्म से संबंधित रखते थे? पहला गद्यांश में देखा था हिंदू धर्म, शिवाजी कौन है? हिंदू धर्म। अब देखिए यहां पर देखिए इसका ये ऑप्शन मुसलमान, बी ऑप्शन हिंदू, सी ऑप्शन ईसाई, डी ऑप्शन सिख। इसका सही उत्तर है हिंदू।
देखिए बच्चे, आप जो गद्यांश हो पद्यांश हो, पठित हो अपठित हो, ध्यान से पढ़कर समझ में आने पर एक से दो बार पढ़ने से प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं पर आसानी से दिखते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।